हेलो दोस्तों, नमस्कार। और एक नया वीडियो में आपको बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज के इस वीडियो में हम लोग देखने वाला हो BGMI गेम अपने YouTube चैनल पे कैसे अपने लाइव स्ट्रीम कर सकते हो A to Z स्क्रीन रिकॉर्डर से। जी हाँ दोस्तों, A to Z स्क्रीन रिकॉर्डर से भी आप यहाँ पर लाइव स्ट्रीम कर सकते हो। यहाँ पर दोस्तों सबसे अच्छी बात ये है कि अगर आपके 1000 सब्सक्राइबर नहीं है तब भी यहाँ पर आप लाइव स्ट्रीम कर सकते हो। अभी के टाइम पे यहाँ पर कैसा जो प्रोसेस है A to Z स्क्रीन रिकॉर्डर से लाइव स्ट्रीम करने का, इस वीडियो में हम लोग पूरा एकदम न्यू अपडेट के बाद स्टेप बाय स्टेप पूरा डिटेल हम लोग बात करने वाला हूँ। तो चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस सबसे पहले आपको A to Z स्क्रीन रिकॉर्डर आपको प्ले स्टोर पे मिल जाएगा। सिंपली दोस्तों आपको प्ले स्टोर से इंस्टॉल करके ओपन में क्लिक कर देना है। जैसे दोस्तों आपने ओपन में क्लिक कर देंगे उसके बाद आपको सबसे पहले इंटरनेट को ऑन कर देना है। और गाइस फर्स्ट टाइम आपको कुछ इस टाइप का इंटरफेस आपको दिखाई देता है। यहाँ पर मैं सबसे पहले अलाउ कर देता हूँ। यहाँ पर डिस्प्ले ओवर जो अदर जो भी जैसे होता है वैसे यहाँ पर भी आपको सेटिंग करना पड़ेगा। फिर भी मैं आपको दिखा देता हूँ, आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग जो भी A to Z स्क्रीन रिकॉर्डर है यहाँ पर आपको टच करना है, इसको ऑन कर देना है। बस दोस्तों आपको बैक कर देना है। इसके बाद दोस्तों आपको कुछ इस तरह का इंटरफेस आएगा। यहाँ पर आपको ओके में सिलेक्टेड करते ही आपको यहाँ पर आपको एक बबल आपको देखने को मिल जाएगा। इसी बबल से ही आप यहाँ पर लाइव स्ट्रीम कर सकते हो। यहाँ पर कुछ सेटिंग आप चाहे तो लाइव स्ट्रीम का जो भी सेटअप वगैरह है आप यहाँ पर चेंज कर सकते हो। बाय डिफॉल्ट यहाँ पर सेटिंग हो जाता है लेकिन आप चाहे तो थोड़ा मोड़ा चेंज कर सकते हो, वो यहाँ से आप कर सकते हो। जो सेटिंग का जो ऑप्शन है, सेटिंग का ऑप्शन में अगर आपने आते हो तो गाइस रेजोल्यूशन आपको देखने को मिलता है। इसके बाद वीडियो क्वालिटी आपको देखने को मिलता है, फ्रेम रेट आपको देखने को मिलता है और भी काफी सारे ऑप्शन जो कि आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। अभी फिलहाल दोस्तों जैसे है वैसे मैं यहाँ पर रखूंगा, तो यहाँ पर मैं छेड़छाड़ नहीं करूंगा। फिर भी अगर आप चाहेंगे यहाँ पर स्क्रीन रिकॉर्डिंग करेंगे तब भी आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग भी कर सकते हो। ब्रश का भी ऑप्शन आपको अवेलेबल मिल जाता है। जैसे मान लीजिए आपको ब्रश का ऑप्शन में ऑन करके आपको यहाँ पर जैसे ब्रश को आपको यहाँ पर आप मार्क चिन्हों भी कर सकते हो। ये भी काफी अच्छा खासा ऑप्शन भी यहाँ पर आपको देखने को मिलता है। फिलहाल दोस्तों मैंने यहाँ पर कट कर दूंगा, इसी ब्रश का ऑप्शन को मैं यहाँ पर स्टॉप कर दूंगा। तो गाइस मैंने आपको ये बोनस के टाइप के मैंने आपको बता दिया कि यहाँ पर आपको स्क्रीन रिकॉर्डिंग के भी काफी अच्छा खासा आपको ऑप्शन भी मिल जाता है। लेकिन हम लोग को करना है लाइव स्ट्रीम। लाइव स्ट्रीम करने के लिए सबसे पहले हम लोग यहाँ पर से बैक कर दूंगा और यहाँ पर आपको देखने को मिलता है एक बबल। इसी बबल पर आपको टच करना है और बबल पर टच करते ही आपको यहाँ पर मिल जाएगा लाइव का ऑप्शन। जी हाँ दोस्तों, बहुत सारे फ्रेंड लोगों को ये भी प्रॉब्लम होता है कि यहाँ पर जो लाइव का ऑप्शन में टच करते हैं यहाँ पर लाइव का ऑप्शन ही नहीं आता है। तो उन फ्रेंड लोगों को मैं यही कहना चाहूंगा, सबसे पहले आप यहाँ पर A to Z एप्लीकेशन को ओपन में क्लिक कर दीजिए और जैसे एप्लीकेशन ओपन हो जाएगा तो इसके बाद आप यहाँ पर बबल पर टच कीजिए। इसके बाद आपको लाइव में आपको टच करना है, ठीक है। तो जैसे अपने लाइव में टच करेंगे तो आपको यहाँ पर फेसबुक और यूट्यूब का ऑप्शन दोनों ऑप्शन यहाँ पर आपको मिल जाएगा। तो जिसमें आप लाइव स्ट्रीम करना चाहेंगे तो गाइस वो आपको सिलेक्टेड करना है। फिलहाल मैं यहाँ पर यूट्यूब में हम लोग टच करूंगा और गाइस यहाँ पर आपको दो ऑप्शन मिल जाता है, एक तो है प्रो और एक है यहाँ पर वॉच एड्स टू अनलॉक। तो गाइस हम लोग यहाँ पर हम लोग क्लिक करूंगा दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पर एक ऐड आया था तो मैं इसी ऐड को कट कर दिया हूँ। उसके बाद फाइनली दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हो यहाँ पर कौन सा चैलेंज पे आप लाइव स्ट्रीम करना चाहते हो वो यहाँ पर पूछा जाएंगे। अपना डिवाइस में जो भी जीमेल आईडी है, जिसमें आपके जीमेल आईडी पे चैनल है, वो जीमेल आईडी आपको यहाँ पर सिलेक्टेड करना है। मैं यहाँ पर इसी जीमेल आईडी पे हम यहाँ पर टच करूंगा और इसके बाद हम लोगों को फाइनली अपना जो भी चैनल है यहाँ से कनेक्टेड हो जाता है। और कनेक्ट करने के बाद और गाइस आपका जो यूट्यूब चैनल है वो आपको मोबाइल नंबर से वेरीफाई जरूर से जरूर होना चाहिए, तब भी आपको ये वर्क करेगा। अगर आपके मोबाइल नंबर से वेरीफाई नहीं है तो गाइस इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में या लास्ट में आपको वो वीडियो का लिंक आपको मिल जाएगा, जिसको देख के काफी आसान से अपने यूट्यूब चैनल को आप वेरीफाई भी कर सकते हो। इसके बाद दोस्तों आपको यहाँ पर मिल जाता है जो भी टाइटल, आप किस गेम को लाइव स्ट्रीम करना चाहेंगे उस गेम का टाइटल आपको यहाँ पर दे देना है। एग्जाम्पल दोस्तों मैंने यहाँ पर BGMI गेम को लाइव स्ट्रीम करने वाला हूँ तो गाइस यहाँ पर हम लोग दे देता हूँ। तो दोस्तों टाइटल पे मैंने यहाँ पर दे दिया हूँ BGMI गेम लाइव स्ट्रीम। इसके बाद हमने यहाँ पर दे दिया हूँ शाम के टाइम पे लाइव स्ट्रीम स्टार्ट गुरु। इसके बाद डिस्क्रिप्शन में आप चाहे तो पेटीएम नंबर वगैरह भी दे सकते हो। इसके साथ आप यहाँ पर ये भी बता सकते हो कि लाइक कीजिएगा, चैनल को नया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, ये सब भी आप डिस्क्रिप्शन में मेंशन कर सकते हो। तो दोस्तों मैंने यहाँ पर डिस्क्रिप्शन में दे दिया हूँ, डोंट फॉरगेट लाइक शेयर कमेंट। तो गाइस आप लोग भी अगर आपने अभी तक भी लाइक नहीं किया हो वीडियो को तो जरूर से जरूर एक लाइक तो बनता है। तो गाइस इसके बाद हम लोग को सबसे पहले राइट में क्लिक करना है और गाइस इसके बाद हम लोग को नीचे स्टार्ट लाइव स्ट्रीम का ऑप्शन मिल जाता है। यहाँ पर हम लोग को क्लिक करते ही आपके यहाँ पर फर्स्ट टाइम यहाँ पर परमिशन आपको देना है। उसके बाद आपको स्टार्ट में क्लिक करते ही अपना जो भी यहाँ पर है लाइव स्ट्रीम स्टार्ट हो जाता है। अभी फिलहाल दोस्तों मैंने यहाँ से बैक कर देता हूँ या तो टोटली होम पे से बाहर आ गया। इसके बाद हम लोग यहाँ पर BGMI गेम को फटाफट हम लोग यहाँ पर ओपन में क्लिक कर दिया हूँ। जैसे दोस्तों BGMI गेम यहाँ पर ओपन में क्लिक कर दिया हूँ और अपना जो भी स्क्रीन है ये भी अभी तक यहाँ पर लाइव हो चुका है, लाइव स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पर देख सकते हो जो भी कमेंट वगैरह, जो भी बंदा यहाँ पर कमेंट वगैरह करेगा सभी जो कमेंट है हम लोग को यहाँ पर देखने को मिलेगा। हम चाहे तो अगर कमेंट में हम लोग को गेम खेलने में प्रॉब्लम हो रहा है तो गाइस हम लोग कमेंट को हटा सकता हूँ यहाँ पर टच करके। मैं अपना PC में जाके भी आपको दिखा देता हूँ। अपना यूट्यूब चैनल पे मैं आ चुका हूँ तो गाइस आपको मैं इस साइड से मैं दिखा देता हूँ।
तो गाइस यहाँ पर आप देख सकते हो अपना यूट्यूब चैनल यहाँ पर ओपन कर लिया हूँ और यहाँ पर मैं गेम को भी स्टार्ट कर देता हूँ और यहाँ पर देख सकते हो दोस्तों यहाँ पर भी लाइव भी हो रहा है दोस्तों। तो इसमें हम लोग टच करूँगा दोस्तों और इसमें जैसे मैं टच करूँगा तो देखिए यहाँ पर मैं जो भी बता रहा हूँ यहाँ पर भी बता रहा है स्पीकर में। तो मैं यहाँ पर वॉल्यूम को सबसे पहले स्टॉप कर देता हूँ नहीं तो ये डबल डबल साउंड हो जा रहा है। तो गाइस यहाँ पर हम लोग ओके में क्लिक करूँगा और फाइनली दोस्तों यहाँ पर मैं जो कुछ भी करूँगा टोटल अपना यूट्यूब चैनल पे ही भी यहाँ पर लाइव हो रहा है। तो गाइस यहाँ पर देख सकते हो मैंने यहाँ पर इस साइड में चला जा रहा हूँ, चलो मैं उस साइड में चला जाता हूँ सबसे पहली। तो यहाँ पर जो टाइमिंग है थोड़ा इधर उधर होता है और दोस्तों यहाँ पर जो स्ट्रीम क्वालिटी है स्ट्रीम क्वालिटी उतना ख़राब भी नहीं है, काफ़ी अच्छा भी है। यहाँ पर आप देख सकते हो अगर मैं सेटिंग ऑप्शन में आऊँगा तो यहाँ पर मैं 720 में चला रहा हूँ। अभी आप देख सकते हो बहुत एक अच्छा जो कि स्मूथली यहाँ पर पिक्चर क्वालिटी यहाँ पर आ रहा है जो कि आप देख सकते हो अपने सामने। तो गाइस इस तरह से काफ़ी आसान से अपना यूट्यूब चैनल पे आप लाइव स्ट्रीम कर सकते हो BGMI गेम। मैंने यहाँ पर A2Z स्क्रीन रिकॉर्डर एप्लीकेशन से लाइव स्ट्रीम कर रहा हूँ जैसे कि दोस्तों आपको यहाँ पर देखने को मिल रहा है दोस्तों। और ये काफ़ी सिंपल प्रोसेस था जो कि मैंने सोचा कि आपके साथ भी शेयर करना चाहिए था, तो इसलिए दोस्तों मैंने इसके बारे में भी एक वीडियो आपको बना दिया। तो दोस्तों ये वीडियो अगर आपको अच्छा लगता है जरूर वीडियो को लाइक कीजिएगा और गाइस आपको इस एप्लीकेशन से लाइव स्ट्रीम कर पा रहा है या नहीं कर पा रहा जरूर मुझे आप कमेंट करके जरूर बताना ताकि सबको भी पता चले। अभी दोस्तों बात करेंगे कि इस लाइव स्ट्रीम को स्टॉप कैसे करते हैं क्योंकि दोस्तों लाइव स्ट्रीम को स्टॉप करना भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, नहीं तो आपका जो भी लाइव स्ट्रीम है ये ऑनलाइन होता रहेगा अपने मोबाइल पे डिवाइस में जो कुछ भी करेंगे ये टोटल लाइव होता रहेगा अपना यूट्यूब चैनल पे। तो इसलिए लाइव स्ट्रीम को स्टॉप करना काफी ज्यादा जरूरी है। लाइव स्ट्रीम को स्टॉप करने के लिए सबसे पहले दोस्तों आपको इस बबल पे आपको टच करना है और बबल पे टच करने के बाद आपको यहाँ पर एक ऑप्शन आपको मिल जाएगा, यहाँ पर आपको टच कर देना है। यहाँ पर जैसे आपने टच करेंगे तो आप देखेंगे अपना जो भी लाइव स्ट्रीम यहाँ पर स्टॉप हो जाता है। तो जो भी है लाइव स्ट्रीम इस तरह से आप स्टॉप भी कर सकते हो। उसके बाद आपको गेम को सिंपली बैक कर दीजिए और बैक करने के बाद सिंपली गेम से बाहर भी आ जाइए। तो यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर भी लाइव स्ट्रीम स्टॉप हो रहा है जो कि गोल गोल यहाँ पर घूम रहा है।